अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने IDM 2019 6.35 वर्जन को डाउनलोड किया था, इंशाल्लाह आज हम IDM को विंडोज़ 10 में इंस्टॉल करेंगे। IDM को रन करें, सेटअप को यस, लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, ओके, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। अगर आपको IDM का आइकॉन डेस्कटॉप पे चाहिए तो इसको चेक रहने दें, अदरवाइज अनचेक कर दें। हमको आइकॉन डेस्कटॉप पे चाहिए इसलिए इसको चेक रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज, ओके, इसको क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें। और एनेबल एक्सटेंशन, IDM की एक्सटेंशन हमारे पास अवेल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, IDM को एग्ज़िट करेंगे और पैच को कॉपी कर लेंगे। आइकॉन पे राइट क्लिक करके सेकंड ऑप्शन ओपन फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक करें और इधर पैच को पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी से, कंट्रोल प्लस वी जी। दोस्तों अब हम इसको रन करेंगे, राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस, पैच नेम टाइप करें हबीब या कोई भी जो आपने नाम लिखना है, ओके, पैच डन, एग्जिट, क्लोज करें। IDM को ओपन करते हैं, रजिस्ट्रेशन, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा IDM कामयाबी के साथ इंस्टॉल हो चुका है और रजिस्टर भी हो चुका है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।